हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिर से एक और हाइस्ट मूवी डेलाइट रॉबरी को, जो 2008 में आई थी। इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी की चोरी की प्लानिंग एक मूवी को देखकर ही की गई थी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और ऑडियंस ने भी इसे ठीक ठाक पसंद किया है, लेकिन मुझे ये मूवी काफी पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें रेडियो के जरिए बताया जाता है इंग्लैंड और जर्मनी का फुटबॉल मैच होने वाला है और उस मैच को देखने के लिए इंग्लैंड से बहुत सारे लोग जर्मनी जा रहे हैं। इस न्यूज के बीच हमें एक बैंक दिखाया जाता है जहां रोज की तरह काम चल रहा था। दूसरी तरफ एक आदमी कोई गाड़ी ठीक कर रहा था। साथ ही हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है, वहां बहुत सारे लोग जर्मनी जाने एक्साइटेड थे। वहां 6 दोस्त और थे जो मैच देखने जर्मनी जा रहे थे। उनमें से एक चबी नाम का लड़का फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा था क्योंकि वो नहीं चाहती चबी मैच देखने जर्मनी जाए। अब नॉर्मन नाम का लड़का सभी के पासपोर्ट रिसेप्शन पर जमा करवाता है। उनकी फ्लाइट को अभी काफी टाइम था। उस प्लेन के लिए उनके अलावा कोई और पैसेंजर नहीं आया था, इसीलिए नॉर्मन रिसेप्शनिस्ट से कहता है वो उनके पासपोर्ट रख ले, वो फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले वापस आ जाएंगे क्योंकि उन्हें बाहर बियर पीने जाना है। वो रिसेप्शनिस्ट मान नहीं रही थी। तब नॉर्मन उसे मस्का लगाता है कि वो एंजेलिना जोली के जैसी दिखती है। तारीफ सुनकर रिसेप्शनिस्ट मान जाती है और उन्हें टाइम पर वापस आने कहती है। दूसरी तरफ हम एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं, वो एक पैसेंजर को कहीं ले जा रहा था। दूसरी तरफ वो 6 लोग एयरपोर्ट पर अपना लगेज और पासपोर्ट जमा करवा कर बाहर आते हैं। बाहर उनकी वैन खड़ी थी। नॉर्मन ने वैन के पीछे ग्लास में एम्बुलेंस का पर्दा लगा रखा था। अब वो लोग एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। वैन में भी चबी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर परेशान था और सब उसे अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, लेकिन जे नाम का लड़का कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा था। वो चारों बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रहे थे, लेकिन सामने बैठे टेरी और नॉर्मन को बहुत फिक्र हो रही थी। नॉर्मन उन लोगों को बातों पर कम और काम पर ज्यादा ध्यान देने कहता है। वही दूसरी तरफ वो टैक्सी लंदन एक्सचेंज बैंक के सामने आकर रुकती है और वो पैसेंजर बैंक के अंदर जाता है। बैंक में एक याडी नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट का कुछ काम करवाने आया था। इस तरफ वैन में सभी लोग कोई सूट पहन रहे थे। चबी को वो सूट टाइट हो रहा था, तब सब लोग उसके मोटापे का मजाक उड़ाते हैं। इस तरफ बैंक में याडी अपना काम न होने पर बैंक एम्प्लॉय पर चिल्ला रहा था। वही बाहर टेरी भी पीछे जाकर कपड़े बदलता है और जे को अपना मुंह बंद रखने कहता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बोलता है। उन लोगों के पास गन्स थी, लेकिन जे को वो बस एक हथौड़ा थमाते हैं, उसे कोई गन नहीं देते। अब वो लोग बैंक के सामने पहुंचते हैं। नॉर्मन सभी को उनका प्लान याद दिलाता है कि अंदर जाने के बाद सब उसके ऑर्डर फॉलो करेंगे, अंदर उन्हें कोई गलती नहीं करनी। सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन मैटी को नॉर्मन पसंद नहीं था। अब सभी अपने मास्क पहनकर रेडी हो जाते हैं। बैंक में टैक्सी से आया पैसेंजर कैशियर के पास जाता है। बाहर सभी रेडी थे। अब नॉर्मन कार स्पीड से रिवर्स लेता है और सीधा बैंक के गेट पर क्रैश करता है, जिससे पीछे बैठा चबी कांच तोड़कर बाहर गिर जाता है। अब वैन आधी बैंक के अंदर थी और आधी बाहर। बैंक में मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी टेरी बाहर निकलता है और बैंक के कैमरास को शूट करता है। उसके शूट करने से बैंक में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन तभी बाकी लोग निकलकर थोड़ी देर में ही बैंक पर कब्जा कर लेते हैं और सभी लोगों को लाकर एक जगह जमा करते हैं। तब नॉर्मन देखता है चबी के जांघ में गहरी चोट लग गई, उसका बहुत खून बह रहा था। नॉर्मन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो देखते हैं नॉर्मन की गन यार्डी ने उठा ली। नॉर्मन याडी से कहता है अगर याडी ने उसे गोली मारी तो बाकी लोग उसे शूट कर देंगे क्योंकि वो अकेला है और उसके पीछे 4 लोग हैं। तभी वो टैक्सी का पैसेंजर आता है और याडी को बेवकूफी ना करते हुए उसे गन वापस करने कहता है। याडी को बस बाहर जाना था क्योंकि बाहर उसकी फैमिली है। नॉर्मन उससे वादा करता है अगर वो गन वापस कर देगा तब वो उसे बाहर जाने देगा, लेकिन याडी को नॉर्मन की बात पर यकीन नहीं होता। तब नॉर्मन उसे शूट करने कहता है, लेकिन नॉर्मन को मारने के बाद वो भी नहीं बचेगा। लेकिन अभी भी याडी गन नहीं दे रहा था। तब नॉर्मन उस कैशियर को मारने कहता है, लेकिन वो पैसेंजर बीच में आ जाता है। तब लकी उसके सिर पर मार कर उसे नीचे गिरा देता है और तभी मौके का फायदा उठाकर नॉर्मन याडी से गन छीन लेता है और उसे खूब गालियां देता है। वो टैक्सी पैसेंजर लगातार बोल रहा था वो किसी को कोई चोट ना पहुंचाए। तब नॉर्मन जाकर उसे भी धमकाता है। अब नॉर्मन बाकी लोगों से प्लान शुरू करने कहता है। अब वो बैंक में मौजूद सभी लोगों को एक जगह जमा करके उनके हाथ बांध रहे थे। नॉर्मन बैंक एम्प्लॉय से फर्स्ट एड के बारे में पूछता है और जे को कैशियर के साथ फर्स्ट एड लाने भेजता है क्योंकि
क्योंकि चबी के पैर में बहुत गहरी चोट लगी थी। वो सभी लोगों के चेहरे ढक देते हैं और तभी कैशियर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। बैंक के बाहर पुलिस पहुंचती है और उस टैक्सी ड्राइवर को वहां से जाने कहती है। अंदर मैटी बैंक के एक खास हिस्से में जाता है और वहां के कैमरा को ढक देता है। सामने लकी चबी को कुछ पेन किलर खिलाता है। नॉर्मन लोगों से पूछता है उनमें से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग किसने ली है। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी उस कैशियर ने ही ली थी। नॉर्मन सबसे पहले उसका फिगर देखता है, फिर उसे चबी के पैर का ट्रीटमेंट करने कहता है और लकी को उस पर नजर रखने कहता है। अब नॉर्मन, टेरी और मैटी बैंक मैनेजर को वॉल्ट के पास लेकर आते हैं। उनके पास वॉल्ट की दोनों चाबियां तो थी, लेकिन उसे खोलने के लिए एक कोड भी चाहिए था जो वॉल्ट में ठीक 11 बजे इंटर करना है। वो कोड सिर्फ बैंक मैनेजर को पता है। अब वो मैनेजर को वॉल्ट के साथ बांध देते हैं। उन्होंने उसके साथ एक बम लगाया था जो ठीक 11:02 पर फट जाएगा, लेकिन मैनेजर वॉल्ट खोलने लगातार मना कर रहा था। नॉर्मन उसे अपनी फैमिली की खातिर वॉल्ट खोलने कहता है, नहीं तो वैसे भी वो बम के साथ वॉल्ट खोल ही लेंगे, लेकिन इससे वो मारा जाएगा। तब भी मैनेजर नहीं मानता, इसीलिए मैनेजर का मुंह बंद करके और बम स्टार्ट करके वो वहां से दूर हट जाते हैं। अब टाइम भी हो गया था, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए मैनेजर वॉल्ट खोल देता है। अब उसकी चाबियां लेकर और उसका मुंह ढककर वो उसे एक जगह बंद कर देते हैं। फिर तीनों वॉल्ट के अंदर जाते हैं। अंदर देखकर तीनों बहुत हैरान और खुश होते हैं क्योंकि वहां उनकी उम्मीद से भी ज्यादा कैश था। फिर टेरी चाबी से वॉल्ट के अंदर के गेट खोलता है। वही बाहर एक पुलिस चीफ आता है। वो दूसरे ऑफिसर से बैंक के अंदर के हालात पूछता है। दूसरा ऑफिसर बताता है अंदर गोलीबारी हुई और उसके बाद से उन्होंने कोई हरकत नहीं की। ऑफिसर उसे अंदर मौजूद होस्टेजेस के बारे में पूछता है, लेकिन होस्टेजेस के बारे में उन्हें अभी कुछ पता नहीं था। फिर वो उस वैन के बारे में पूछता है, लेकिन उस वैन के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ये सुनकर चीफ चिढ़ जाता है और उसे कॉफी लाने और पब्लिक को वहां से दूर भेजने कहता है। अंदर वॉल्ट में वो सब जल्दी जल्दी प्लास्टिक बैग में पैसे भर रहे थे। मैटी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। टेरी उसे काम पर ध्यान देने कहता है। दूसरी तरफ नॉर्मन बैंक के उस हिस्से में आता है जहां का कैमरा मैटी ने ढका था। नॉर्मन के हाथ में वहां का मैप था। अब वो जमीन पर कोई डिवाइस रखकर कुछ ढूंढने लगता है। तभी वहां टेरी आता है। नॉर्मन उसे बताता है उसे सिग्नल नहीं मिल रहा। उसे डर था कहीं पुलिस को उनके प्लान के बारे में पता न चल जाए, लेकिन टेरी उसे थोड़ा वेट करने कहता है। बाहर चीफ हॉस्टेजेस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही वो बैंक का फोन नंबर पता करता है ताकि अंदर रॉबर्ट से बात कर सके। वही अंदर मैटी वैन के पास रखे कुछ टूल्स लेता है और जे को वैन में म्यूजिक स्टार्ट करने कहता है। इस तरफ नॉर्मन सिग्नल ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद उसे सिग्नल मिल जाता है, लेकिन मैटी वो टूल्स नॉर्मन के सामने लाकर रख देता है। नॉर्मन उसे वहां से टूल उठाने कहता है। यहां माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन लकी वो टूल्स उठाकर साइड में रखता है और मैटी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नॉर्मन उस जगह की कुछ फोटोज लेता है और टेरी वहां की मैट काटता है। सामने जे वैन में म्यूजिक स्टार्ट करता है। म्यूजिक सुनकर पुलिस को समझ नहीं आता अंदर चल क्या रहा है। स्नाइपर को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बैंक की खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। अब अंदर वो लोग उस जगह ड्रिल कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वहां एक होल हो गया था और उस होल में से एक आदमी अपना सिर बाहर निकालता है। ये वही टैक्सी ड्राइवर था जिसने उस पैसेंजर को बैंक में छोड़ा था। वो चबी से उसकी हालत पूछता है। अब चबी पहले से बेहतर था। चीफ और बाकी पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा से बैंक के अंदर देखते हैं, लेकिन उन्हें जे नाचते हुए दिखाई देता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रॉबर्ट्स अंदर कर क्या रहे हैं। उस होल से टैक्सी ड्राइवर अंदर आता है। यहां हमें पता चलता है उन्होंने बैंक से निकलने के लिए पहले ही टनल बना रखी है, मतलब इस चोरी की प्लानिंग बहुत पहले से ही हो चुकी थी। अब टनल में सबसे पहले मैटी जाता है, उसके बाद चबी, फिर लकी टनल में उतरता है। तब नॉर्मन उसे पैसों का एक बैग देता है। लकी खुद से पैसों के बैग को बांधकर आगे बढ़ता है। उसके जाने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर मतलब एलेक्स नॉर्मन से पूछता है चबी को चोट कैसे लगी। नॉर्मन बताता है कार बैंक में क्रैश करते टाइम वो खिड़की से नीचे गिर गया था, लेकिन एलेक्स को पता था नॉर्मन कार को ज्यादा ही फास्ट ले गया। उन दोनों की बातों से पता चलता है इस चोरी का मास्टरमाइंड एलेक्स ही है। एलेक्स वॉल्ट में जाकर देखता है, फिलहाल सब कुछ ठीक था। वही टनल में मैटी टनल खत्म होने से जस्ट पहले एक व्हील वाली ट्रॉली रखता है जिसके दोनों तरफ रस्सी बंधी थी। वही ऊपर बैंक में जे डांस कर रहा था, तब उसके पीछे एलेक्स आता है। पहले वो जे का डांस इंजॉय करता है, फिर उसे टपरी मारकर तरीके से रहने कहता है। वही टनल में उस ट्रॉली के पास चबी पहुंचता है। फिर थोड़ी देर बाद पैसे लेकर लकी वहां पहुंचता है। ऊपर वो टनल एक गैरेज में निकलती थी जहां एक वैनिटी वैन रखी थी। कुछ सेकंड्स बाद टनल से मैटी निकलता है। टनल के अंदर चबी और लकी ने पैसों का बैग उस ट्रॉली पर रख दिया था। वहां एक धागा बंधा था जिसे हिलाने पर ऊपर घंटी बजती है। उस बेल को सुनकर मैटी ट्रॉली ऊपर खींचता है। बैग के ऊपर जाते ही लकी भी मैटी के पास जा रहा था। इस तरफ अब टेरी टनल में जाता है और नॉर्मन उसे एक बैग देता है। टेरी भी बैग खुद से बांध कर आगे बढ़ता है। लकी टनल की दूसरी तरफ मैटी के पास पहुंच गया था। अब दोनों को बैग अपनी तरफ खींचने है।
है, अब लगभग सब सेट हो चुका था। एलेक्स देखता है बाहर पुलिस ने बैंक को घेरा हुआ है। अब वो म्यूजिक बंद करता है। वही नीचे टेरी चबी को बैग देकर वापस जा रहा था, लेकिन चबी को देखकर लगता है उसकी हालत खराब हो रही है। वही बाहर चीफ को पता चलता है म्यूजिक बंद हो गया। वो लाउडस्पीकर से रॉबर्ट से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो बैंक का फोन नहीं उठा रहे। चीफ उसे फोन उठाकर बात करने कहता है। वही नीचे टनल में चबी बेहोश हो जाता है। ऊपर जे मस्ती करते हुए टेरी और नॉर्मन के पास आता है। नॉर्मन को उसकी हरकतें समझ नहीं आती। उसे एलेक्स ने उनकी मदद करने भेजा था। उसे टनल भी बहुत पसंद आई थी। टेरी उसे जल्दी बैग ले जाने कहता है क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऊपर टेरी और नॉर्मन बाकी पैसे बैग में भर रहे थे। वही टनल में जे को पता चलता है चबी बेहोश हो गया है। उसका बहुत खून बह गया था। वो तुरंत बैंक में आकर ये टेरी को बताता है। टेरी चबी को देखने जाता है। जे जाकर इस बारे में एलेक्स को बताता है। एलेक्स उसे यहाँ छोड़कर टनल के पास पहुँचता है। वहाँ नॉर्मन खड़ा था। एलेक्स टनल में उतरता है। टेरी ने चबी को खींच कर यहाँ ला लिया था। एलेक्स और नॉर्मन चबी को ऊपर खींचते हैं। दूसरी तरफ लकी और मैटी को समझ में आ गया था कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैटी टनल में जाकर देखता है लेकिन वहाँ चबी नहीं था। यहाँ दिखाया जाता है टनल कोलैप्स होने वाली है जिस पर फिलहाल किसी का ध्यान नहीं जाता। वही इस तरफ चबी का बहुत ज्यादा खून बह गया था। उसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। नॉर्मन फर्स्ट एड बॉक्स लेने आता है लेकिन अब उसमें कुछ नहीं बचा था। जे उससे चबी के बारे में पूछता है लेकिन नॉर्मन उसे चुप रहने और लोगों पर नजर रखने कहता है। मैटी टनल में जाकर देखता है जहां उसे चबी का खून दिखाई देता है। वही ऊपर एलेक्स समझ गया था चबी को डॉक्टर की जरूरत है, इसीलिए वो प्लान थोड़ा चेंज करता है। जे को वो टनल की दूसरी तरफ भेजेंगे, लकी बीच में रहेगा। टेरी और मैटी बैग्स टनल में लेकर जाएंगे। तभी मैटी भी पहुंचता है। अब एलेक्स और नॉर्मन चबी को एक केबिन में लाकर टेबल पर लेटा देते हैं। एलेक्स चबी से कहता है वो ठीक हो जाएगा। अब एलेक्स जे को टनल में भेजता है। नॉर्मन उस कैशियर को लेकर आता है। दरअसल उन्हें उस कैशियर के जरिए पुलिस से बात करनी थी। एलेक्स उस लड़की के पैर में रस्सी बांधता है और उसे वैन में सामने भेजता है। उसे देखते ही सब पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। वो कहती है वो एक हॉस्टेज है और अंदर उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन चीफ को यकीन नहीं होता। तब वो अपना बैच निकालकर उनकी तरफ फेंकती है क्योंकि वो इसी बैंक में काम करती है। वैन के अंदर से एलेक्स ने उस पर गन पॉइंट की थी। कंफर्म होने पर चीफ डॉक्टर भेजने मान जाता है, लेकिन उसकी शर्त थी कि उस जख्मी आदमी का ट्रीटमेंट बैंक के बाहर होगा, लेकिन एलेक्स इसके लिए नहीं मानता। चीफ उन्हें फोन पर बात करने कहता है ताकि वो कोई रास्ता निकाल सके, लेकिन एलेक्स कैशियर को अंदर खींच लेता है, फिर उसे चबी के पास छोड़ता है। वो वहां रखा फोन ट्राई करती है लेकिन वो बंद था। नॉर्मन जाकर बैंक मैनेजर को बाहर निकालता है और उसके कपड़े ले लेता है। इस तरफ कैशियर चबी का चेहरा देख लेती है। टनल की दूसरी तरफ जे पैसे खींच रहा था, लेकिन अकेले पैसे खींचना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इस तरफ चबी उस कैशियर से अपनी गर्लफ्रेंड और बेटी की बात करता है। वो कैशियर भी उससे ठीक से बात कर रही थी, लेकिन तभी नॉर्मन वहां आ जाता है और उसका चेहरा ढक कर उसे बाहर ले जाता है। फिर हमें चबी की गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी दिखाई जाती है। उसके सामने टीवी पर उस बैंक की ही न्यूज चल रही थी। अब एलेक्स फिर से कैशियर को वैन में भेजता है। उसने चबी की हालत देख ली थी, इसीलिए बिना ऑर्डर दिए ही वो पुलिस को यहाँ डॉक्टर भिजवाने कहती है। वहाँ डॉक्टर आ गया था, लेकिन चीफ अपनी शर्त पर अड़ा था कि जख्मी आदमी का ट्रीटमेंट बैंक के बाहर होगा, और एलेक्स अपनी बात पर अड़ा था। एलेक्स कहता है डॉक्टर नहीं आया तो वो हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देगा, लेकिन वो कैशियर बाहर कहती है वो आदमी बहुत ज्यादा जख्मी है, अगर उसे डॉक्टर नहीं मिला तो वो मर जाएगा। ये सुनकर वहाँ खड़ा डॉक्टर अंदर जाने मान जाता है। डॉक्टर को अंदर भेजने से पहले चीफ को श्योरिटी चाहिए थी कि डॉक्टर को कुछ नहीं होगा। एलेक्स प्रॉमिस करता है वो डॉक्टर को कुछ नहीं करेंगे। अब डॉक्टर वैन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एलेक्स पहले उसका बैग मंगवाता है। स्वाट टीम का एक आदमी उसे बैग ले जाकर देता है। एलेक्स सबसे पहले डॉक्टर का बैग चेक करता है, फिर अंदर आने से पहले उसे अपने कपड़े उतारने कहता है। डॉक्टर चीफ की तरफ देखता है और अपने सारे कपड़े उतारता है। एलेक्स ने उसके कपड़े इसीलिए उतरवाए थे क्योंकि उसे डर था पुलिस उसके साथ कोई माइक या हथियार अंदर न भेज दे। वही टनल में जे को पैसे ऊपर खींचने में परेशानी हो रही थी क्योंकि ट्रॉली का व्हील टूट गया था। तभी वहां लकी आकर उसकी मदद करता है। वही ऊपर डॉक्टर चबी को चेक कर रहा था। उसका बहुत खून बह चुका है। वो कहता है उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ उसके पास हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन एलेक्स उसे जो करना है यही करने कहता है। उसे चबी को ब्लड चढ़ाना था, लेकिन डॉक्टर को चबी का ब्लड ग्रुप नहीं पता। एलेक्स चबी से पूछता है, लेकिन उसे भी खुद का ब्लड ग्रुप पता नहीं था। तब एलेक्स डॉक्टर को यूनिवर्सल टाइप ब्लड मंगवाने कहता है। बाहर स्वॉट टीम का एक आदमी वैन के पास आता है। उन्हें अंदर के हालात जानने थे। वो वैन पर कोई डिवाइस लगा रहा था, लेकिन तभी एलेक्स डॉक्टर को पुलिस से बात करने वैन में लेकर आता है। डॉक्टर वैन में आकर पुलिस से ओ नेगेटिव ब्लड मंगवाने कहता है। तभी डॉक्टर वैन के पास बैठे स्वॉट टीम के ऑफिसर को देखता है, लेकिन तभी एलेक्स डॉक्टर को बाहर देखते हुए देख लेता है। उसे वैन के मिरर में स्वॉट टीम का आदमी दिख जाता है, इसीलिए वो तुरंत डॉक्टर को
को अंदर खींच लेता है। अब वो साइड की खिड़की तोड़कर स्वाट टीम के आदमी को बैंक से दूर हटने कहता है। चीफ उन्हें वापस आने का ऑर्डर देता है और एलेक्स से कहता है वो किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए। एलेक्स उन्हें धमकी देता है अगर उन्होंने फिर से कोई होशियारी की तो वो हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे। चीफ स्वाट टीम को दूर हटने और एलेक्स को शांत रहने कहता है। चीफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। हॉस्टेजेस इन सबसे बहुत डर गए थे। एलेक्स सभी हॉस्टेजेस को चुप करवाता है। चीफ बैंक में कॉल करता है लेकिन अंदर कोई फोन नहीं उठाता। एलेक्स नॉर्मन से कहता है वो बाकियों से कहे अपना काम जल्दी खत्म करे और उन्हें यहाँ के बारे में कुछ न बताए। इधर मैटी टनल के पास बैठा हुआ था तभी टेरी टनल से बाहर आता है। वो बताता है ट्रॉली टूट गई है, अब उन्हें बैग दूसरी तरफ खुद ले जाकर रखना होगा। तभी वहाँ नॉर्मन और बैग लेकर आता है। नॉर्मन उन्हें काम जल्दी खत्म करने कहता है लेकिन ये सुनकर मैटी चिढ़ जाता है। वो शुरुआत से नॉर्मन को पसंद नहीं करता इसीलिए वो नॉर्मन को टनल में उनकी मदद करने कहता है। तभी टनल में से लकी बाहर आता है। मैटी उन्हें याद दिलाता है नॉर्मन ने उन्हें वैन में क्या स्पीच दी थी। नॉर्मन कहता है वो चबी की देखभाल कर रहा है और उन्हें पैसों के बैग लाकर दे रहा है लेकिन मैटी कहता है वो तो अभी तक टनल में गया ही नहीं। नॉर्मन को क्लॉस्ट्रोफोबिया है इसीलिए वो टनल में नहीं जा रहा। इस बात पर मैटी नॉर्मन का मजाक बनाने लगता है। तब लकी दोनों को अलग करके काम पर ध्यान देने कहता है और नॉर्मन को वापस भेजता है लेकिन मैटी को नॉर्मन से कुछ ज्यादा ही परेशानी थी। टेरी को उसका ये बर्ताव पसंद नहीं आया था। वही सामने एलेक्स ने बाहर नजर रखी थी और बैंक का फोन लगातार बज रहा था। तब एलेक्स जाकर फोन पिकअप करता है। फोन उठाते ही चीफ एलेक्स को सॉरी बोलने लगता है ताकि वो हॉस्टेजेस को कोई नुकसान न पहुंचाए। फिर उसे बताता है खून की बोतल और मेडिकल किट आ चुकी है। अब चीफ एलेक्स का नाम पूछकर उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन एलेक्स उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो चीफ से उनके पीने के लिए ड्रिंक मंगवाता है। वही टनल में लकी और मैटी पैसे दूसरी तरफ ले जा रहे थे। मैटी नॉर्मन को गालियां दे रहा था क्योंकि उन लोगों ने वो टनल खो दी है और अचानक नॉर्मन आकर उन पर हुक्म चलाने लगा लेकिन लकी बताता है नॉर्मन अचानक नहीं आया बल्कि एलेक्स और नॉर्मन ने मिलकर ये प्लान बनाया है। ये टनल को सही डायरेक्शन में खोदने के लिए नॉर्मन ने ही मदद की थी। लकी मैटी से पैसों के बारे में सोचने कहता है क्योंकि 2.5 घंटों में वो अमीर होने वाले है। पैसे आने के बाद उनके पास हर चीज होगी लेकिन ये जानने के बाद भी मैटी नॉर्मन को गालियां देता है। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर वैन में आता है और पुलिस ऑफिसर उसे एक बैग लाकर देता है जिसमें खून और मेडिकल किट थी। बैग मिलते ही डॉक्टर चबी का ट्रीटमेंट शुरू करता है। तब नॉर्मन आकर उसे हालात के बारे में बताता है क्योंकि कुछ ही देर में उनका काम खत्म हो जाएगा लेकिन चबी की हालत खराब होती जा रही थी। नॉर्मन को शक था वो चबी को अपने साथ ले जा पाएंगे या नहीं। तब इस पर एलेक्स नॉर्मन की सलाह पूछता है लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर नॉर्मन वहां से चला जाता है। बाहर चीफ को बैंक के सीसीटीवी कैमरास की टेप मिल चुकी थी। टेप देखने पर उन्हें पता चलता है रॉबर्ट्स का एक आदमी जख्मी है। अंदर डॉक्टर चबी को ब्लड चढ़ाने के साथ पेन किलर भी देता है ताकि वो अपने पैरों पर चल सके लेकिन अब भी डॉक्टर चबी को अपने साथ बाहर ले जाना चाहता था क्योंकि यहां उसका टेम्परेरी इलाज हुआ है। अब डॉक्टर बताने लगता है उसने कितने घायलों का इलाज किया है जिन्हें क्राइम करते वक्त चोट लगी थी और वो लोग जो क्राइम के शिकार थे। उसे समझ नहीं आता लोग ये सब क्यों करते हैं। तब एलेक्स कहता है पैसों के लिए लेकिन अब एलेक्स डॉक्टर को और बोलने नहीं देता बस उसे अपना काम करने कहता है। टनल की दूसरी तरफ जे उस वैनिटी वैन की फ्रिज में पैसे रख रहा था। वहाँ रेडियो पर बैंक की न्यूज भी आ रही थी कि पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई और म्यूजिक पर डांस कर रहे एक रॉबर का वीडियो एक न्यूज पर दिखाया गया। उस वीडियो को लोग भीड़ लगाकर देख रहे थे। ये सुनकर जे बहुत खुश होता है। उसे लगता है वो फेमस हो गया। तभी वहाँ लकी और मैटी पैसों के बैग लेकर आते हैं। लकी जे को पैसे छुपाने कहता है लेकिन तब मैटी अपनी जगह जे को पैसे लाने भेजता है जबकि पैसे लाने का काम नॉर्मन ने उन दोनों को दिया था लेकिन मैटी को नॉर्मन के ऑर्डर की कोई परवाह नहीं थी। टनल में जे लगातार बकवास कर रहा था कि जैसे लोगों को पता चलेगा उन्होंने कितनी सफाई से बैंक लूटा है क्रिमिनल्स उनकी इज्जत करने लगेंगे लेकिन लकी उसे डांटता है क्योंकि ऐसी बातें किसी को नहीं बताते। उसकी बकबक से लकी भी परेशान हो गया था। वही ऊपर डॉक्टर से जितना हो सकता था उसने कर दिया था लेकिन अब भी चबी को हॉस्पिटल की जरूरत थी लेकिन एलेक्स नहीं मानता और उसे कमरे से बाहर ले जाता है। बैंक से बाहर जाने से पहले एलेक्स डॉक्टर को थैंक यू बोलता है लेकिन डॉक्टर उसे वार्न करता है ये बस एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट थी। अब कुछ सेकंड्स बाद डॉक्टर बैंक से बाहर आ जाता है और चीफ उसे रिसीव करता है। अंदर चबी को होश आता है। एलेक्स उसे हिम्मत दिखाकर उनके साथ चलने कहता है क्योंकि उन्हें अब बाहर निकलना है। टेरी उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। वही बाहर डॉक्टर चीफ को चबी की हालत के बारे में बताता है। उसकी हालत काफी खराब थी। 2.5 घंटों बाद वो बेहोश हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद चीफ कुछ देर वेट करने का फैसला करता है। उसे पता था रॉबर्ट्स हॉस्टेजेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते वरना उनके पास सौदा करने कुछ नहीं बचेगा। बैंक में टेरी और नॉर्मन चबी को टनल में लेकर आते हैं और टेरी उसे दूसरी तरफ ले जाता है। गैराज में मैटी लकी और जे उस वैनिटी वैन में पैसे छुपा रहे थे और टेरी बड़ी मुश्किल से चबी को
दूसरी तरफ लेकर आता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते कि टनल कोलैप्स होने वाली है। बाहर चीफ बैंक के कैमरा से देख रहा था, एलेक्स हॉस्टेजेस के बीच घूम रहा है जैसे वो किसी को मारने वाला हो। फिर वो एक आदमी के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसे मारने की बजाय वो उस कैमरा को शूट कर देता है, जिससे अब चीफ को बैंक के अंदर का कुछ नहीं दिखेगा। एलेक्स उस आदमी को उठाता है, ये वही पैसेंजर था जिसे मूवी की शुरुआत में एलेक्स ने ही बैंक के बाहर छोड़ा था। फिर एलेक्स चाकू निकालता है, लेकिन उसके हाथ खोलने के लिए यहाँ पता चलता है ये लड़का भी एलेक्स और बाकी लोगों के साथ मिला हुआ है। वो टनल के एंट्रेंस पर आते हैं। नॉर्मन उसे वहाँ की होल करने के पहले की फोटो देता है। अब उनके निकलने का टाइम था। एलेक्स पहले टनल में जाता है, वो देखता है टनल कोलैप्स होने वाली है, मतलब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। दूसरी तरफ टेरी चबी को बाहर ला चुका था, उसे पूरी तरह होश आ चुका है। इस तरफ अब नॉर्मन को टनल में जाना था। वो पैसेंजर नॉर्मन को हिम्मत देता है और पहली बार नॉर्मन टनल में उतरता है। दूसरी तरफ बाकी चारों बहुत खुश हो रहे थे, एलेक्स भी बाहर आ चुका था। कुछ देर बाद सभी ने कपड़े बदल लिए थे, अब चबी को भी ठीक लग रहा था। अब चबी कहता है उसे जर्मनी नहीं जाना, लेकिन एलेक्स नहीं मानता क्योंकि इससे वो पकड़े जा सकते हैं। एलेक्स कहता है जर्मनी पहुंचने के बाद बाकी सब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। हॉस्पिटल में उसे कहना है सीढ़ियों से गिरकर उसे चोट लगी और उसे अभी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने से मना करता है। अब ना चाहते हुए भी चबी को उसकी बात माननी पड़ती है, नहीं तो सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। वही टनल में पहले से एक लोहे का पत्रा रखा था, वहाँ लगे जैक्स की मदद से वो पत्रा लगाकर नॉर्मन होल बंद करता है। अब उसे रेंगते हुए दूसरी तरफ आना था। पहले नॉर्मन को डर लगता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद टनल कोलैप्स हो जाती है। टनल कोलैप्स होने की आवाज ऊपर तक आई थी। एलेक्स तुरंत टनल में जाता है। थोड़ा आगे जाने पर नॉर्मन को दिखाई देता है मिट्टी से अब टनल बंद हो चुकी है। नॉर्मन पागलों की तरह मिट्टी हटाने लगता है। एलेक्स ने भी ये देख लिया था, अब टाइम भी हो गया था। वो बाकी सभी को एयरपोर्ट जाने कहता है और वो जितना जल्दी हो सके नॉर्मन को एयरपोर्ट ले आएगा। टनल में नॉर्मन पैनिक होने लगा था। वही बैंक में उस पैसेंजर ने उस जगह को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वहाँ किसी टनल का होल था। फिर वो वहाँ की फोटो को जला देता है। फिर चुपचाप बाकी हॉस्टेजेस के पास आकर और अपना मुंह ढककर और हाथ बांधकर उनके बीच बैठ जाता है। बाकी सब किसी दूसरी कार से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। टनल में पहुंचकर एलेक्स मिट्टी खोदने लगता है। कार में चबी की हालत खराब हो रही थी और जे सिगरेट फूंक रहा था। उससे तंग आकर टेरी उसकी सिगरेट बाहर फेंक देता है। टनल में नॉर्मन हिम्मत हार रहा था, लेकिन तभी उसे एलेक्स की आवाज आती है क्योंकि एलेक्स दूसरी तरफ से मिट्टी खोद रहा था। अब दोनों मिलकर मिट्टी खोदने लगते हैं। कुछ ही देर में मिट्टी हट जाती है और नॉर्मन एलेक्स से मिलता है। अब जल्दी से एलेक्स और नॉर्मन बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ बाकी पांचों एयरपोर्ट पहुंच गए थे। टेरी चबी को लेकर आया था। टेरी रिसेप्शनिस्ट को बताता है चबी ने शराब पी है, इसीलिए वो थोड़ा नशे में है। तीनों बोर्डिंग गेट के पास पहुंच गए थे। गेट पर वही लड़की थी जिससे पूछकर वो लोग बाहर गए थे। कुछ सेकंड्स बाद वहां टेरी और चबी आते हैं, लेकिन अब भी वो लोग नॉर्मन का वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ एलेक्स अपनी टैक्सी से नॉर्मन को एयरपोर्ट लेकर आ रहा था। नॉर्मन एलेक्स को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन एलेक्स कभी भी अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ पांचों प्लेन में पहुंच चुके थे। फ्लाइट का क्रू अभी तक नॉर्मन के लिए रुका हुआ था। नॉर्मन एयरपोर्ट पहुंच चुका था। अब वो दो हफ्तों बाद मिलने वाले थे। एलेक्स उसे चबी का ख्याल रखने कहता है और नॉर्मन जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर भागता है। रिसेप्शन क्लियर करके वो बोर्डिंग गेट की तरफ भाग रहा था। फ्लाइट का टाइम हो गया था, लेकिन टाइम पर नॉर्मन बोर्डिंग गेट पर पहुंच जाता है और किसी तरह उसे फ्लाइट मिल जाती है। उसे देखकर टेरी बहुत खुश होता है। अब कुछ देर बाद फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। चबी को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी थी। टेरी कहता है जर्मनी पहुंचकर वो उसकी बात करवा देगा। वही चबी की गर्लफ्रेंड उसके लिए एक वॉइस मेल छोड़ती है कि उसने हमेशा चबी को गलत समझा, लेकिन उसके वापस आने पर वो एक नई शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ बैंक के अंदर से बहुत देर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। अब काफी देर वेट करने के बाद चीफ स्वॉट टीम को अंदर भेजता है। स्वॉट टीम बैंक की लाइट कट करके अंदर जाती है। उन्हें वैन के पास ही सारे हॉस्टेजेस मिलते हैं। वॉल्ट पूरी तरह खाली हो चुकी थी। वॉल्ट के पास ही एक छोटे लॉकर में उन्हें मैनेजर मिलता है, लेकिन वहाँ कोई रॉबर नहीं था और ना ही बैंक से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता था। कुछ देर बाद सभी हॉस्टेजेस को बाहर निकाला जाता है। उनके बीच वो पैसेंजर भी आसानी से निकल जाता है। एक ऑफिसर चीफ को बताता है ये चोरी बिल्कुल एक मूवी जैसी थी। उस मूवी का नाम है इनसाइड मैन। इनसाइड मैन मैंने भी एक्सप्लेन की है, अगर आप वो मूवी देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रही इस मूवी की बात, तो पुलिस और चीफ के हाथ कुछ नहीं लगता। वही प्लेन में इंग्लैंड से निकलने के बाद सब बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन चबी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब कहानी 3 हफ्ते आगे बढ़ती है। एलेक्स वो वैनिटी वैन चला रहा था। रेडियो न्यूज के जरिए बताया जाता है जर्मनी में नॉर्मन और बाकी लोग पकड़े गए क्योंकि चबी की प्लेन में
ही मौत हो गई। जर्मनी में उन पर केस चलने वाला है, लेकिन अब तक पुलिस को चुराए हुए पैसे नहीं मिले। उन्होंने बैंक से 70 मिलियन पाउंड चुराए थे, जो ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है। लेकिन एलेक्स रेडियो बंद कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है वो पैसेंजर एलेक्स का बेटा है और वो सारे पैसे भी उसी वैनिटी वैन में रखे थे। फिर बाप बेटे वो वैन लेकर एक ट्रिप पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ नॉर्मन जर्मनी की जेल में बंद था। उसे 10 साल की सजा हुई, जिसे बाद में कम करके 7 साल कर दिया गया। टेरी को 10 साल की सजा हुई, उसने जेल में ही बुद्धिज्म अपना लिया। जे को 6 साल की सजा हुई, जेल में उसने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक बुक लिखी। लकी और मैटी उस जेल से सुरंग खोद कर भाग निकले थे, जो अभी तक नहीं मिले। मामला ठंडा होने के बाद चबी की गर्लफ्रेंड के घर एक पार्सल आया, जिसमें चबी के हिस्से के पैसे थे। चबी को एक अच्छा फ्यूनरल दिया गया। वही जेल में नॉर्मन ने काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की बुक मंगवाई थी। उस बुक में कवर और पेजेस के बीच में एक 20 पाउंड का नोट था, जिसमें मोनाको लिखा था। मोनाको यूरोप की एक कंट्री है, मतलब एलेक्स ने उसे मोनाको में बुलाया है। ये जानकर नॉर्मन मुस्कुराता है और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।